खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ दीपालिया। आरोग्य सेतु से जासूसी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ई इलियट एडरसन के नाम के फ्रेंच एथिकल हैकर ने ट्वीट कर कहा है कि आरोग्य ऐप से लोगों की निजता में दखल हो रहा है और राहुल गांधी ने इस ऐप के असुरक्षित होने की जो आशंका जताई थी वो सही है, लेकिन सरकार ने आज भी सफाई दी है कि ऐप के असुरक्षित होने का दावा सही नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है कि जब किसी ऐप के जरिए लोकेशन, ब्लूटूथ और दूसरी जानकारी मांगी जाती है तो आपके ट्रैक होने की संभावना हमेशा रहती है। दूसरी तरफ सरकार ये भी दावा कर रही है कि कोरोना से पार पाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी है, लेकिन ये ऐप सिर्फ एंड्रॉयड या और आईफोन में ही डाउनलोड हो सकता है। लेकिन देश में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास एंड्रॉयड फोन, छोड़िए फोन तक नहीं है। फिर क्या वजह है कि आरोग्य सेतु पर इतना जोर दिया जा रहा है, उसको अनिवार्य किया जा रहा है? सवाल दोनों हैं कि एक तो निजता का उल्लंघन और दूसरा इस ऐप की उपयोगिता। एक और सवाल है कि क्या जिस तरह आरोग्य ऐप को अनिवार्य बनाने की बात की जा रही है, क्या ये हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। आरोग्य सेतु ऐप क्या है, जानकारी है? हाँ हाँ है डॉक्टर साहब। क्या है वो? सीना दर्द करता है सर, पीछे। वो नहीं, आरोग्य सेतु ऐप क्या है, वो क्या है, वो जानकारी है? रोज मैंने कहे सर, क्या मालूम है सर? क्या है वो? तो आपको बचना है, हिफाजत से रहना, हाथ धोना वगैरह वगैरह, लोगों से दूरी बनाए रखना, बहुत तरह के है। आरोग्य सेतु शायद नया निकला है। क्या होता है उसमें? उतना पढ़ा लिखा तो नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन प्रचार उचार में दिखाता है। बिल्कुल नहीं किया भैया। ये क्यों वजह रहेगी? वजह ये है भैया, अगर ऐप से पता चलती किसको वायरस है तो वर्ल्ड में हम इंडिया तो बहुत पीछे हैं, अमेरिका बहुत आगे है। ऐप से पता चलती ना तो भाई टेस्ट किट की जरूरत नहीं पड़ती देश में शायद। नहीं, हमारे पास ना वो है, ना मोबाइल है, ना कुछ है। हम एक रिटायरमेंट आदमी है, हम अभी दो दिन से आ रहे हैं, कल सर्वर नहीं चला, पैसा नहीं मिला। हम लोगों को कोई खास जानकारी नहीं है। ये कहा गया है कि आप लोग जो है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करिए, लेकिन उसकी जानकारी कहाँ से क्या है उसके लिए हमें कोई जानकारी नहीं है। मोबाइल है नहीं तो उसकी जानकारी कहाँ कर ले रही है? ना टीवी है मेरे पास, टीवी तो है, मुझे टाइम नहीं मिलता घर से बैठने में, काम धंधा करेंगे कि मोबाइल देखेंगे। यहाँ पर आपने अपने फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ है? एक कमा को जनते हैं, हम करें मार दो। आपने नहीं किया हुआ? कौन सा फ़ोन चलाते हैं आप? हमारे पास उसका है, जी वाला, जी वाला। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया हुआ है? नहीं सर। वजह सर? आता ही नहीं है, करना करना नहीं आता है। कौन सा फ़ोन चलाते हैं आप? मैं तो छोटा सर। दिखाएंगे एक बार। जब हथियार ही बन गया मुसीबत, कैसे लड़ेंगे वायरस से जंग? सेहत का सेतु या जासूसी का औजार? आरोग्य ऐप पर घिरी सरकार। जी हां, कोरोना के खिलाफ जंग में जिस आरोग्य सेतु ऐप को सरकार सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार बता रही है, उसकी सुरक्षा मानकों पर सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा, जिससे सरकार के लिए बेहद ही असहज हालात पैदा हो गए हैं। क्योंकि लॉकडाउन के इस वक्त में सरकार के आदेश पर हर किसी को इस ऐप को अपने फोन में रखना न केवल अनिवार्य कर दिया गया है, बल्कि उल्लंघन को अपराध की श्रेणी में भी डाल दिया गया। ऐसे में उठ रहे सवालों पर सरकार के जवाब जनता की बेचैनी भी बढ़ा रहे हैं। सरकार के लिए नई मुश्किल मंगलवार को तब खड़ी हो गई जब इलियट एडरसन के नाम के फ्रेंच एथिकल हैकर ने ट्वीट कर कहा कि 90 मिलियन भारतीयों की गोपनीयता दांव पर है। यही नहीं, उसने ये भी लिखा कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी एकदम सही थे। अपने ट्वीट के साथ उन्होंने राहुल को भी टैग किया। फिर क्या था, सरकार में खलबली मच गई और महज 50 मिनट के भीतर ही सरकारी एजेंसियों ने हैकर से संपर्क साधा, जिसकी जानकारी हैकर ने अपने अगले ट्वीट में दी। हैकर के दावे के बाद बुधवार यानी आज सुबह ही केंद्र सरकार सामने आई और बयान जारी कर कहा कि ऐप के जरिए कोई डेटा या सुरक्षा उल्लंघन नहीं है
और किसी भी उपयोगकर्ता की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी इस ऐप के कारण खतरे में साबित नहीं हुई है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि सरकार की सफाई से हैकर ने अपना असंतोष जाहिर किया। जवाब में ट्वीट कर कहा कि मूल रूप से आपने कहा था कि यहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं, हम आपको बताएंगे, मैं कल आपके पास वापस आऊंगा। जिसके बाद सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। अगले 24 घंटे में हैकर क्या जवाब या खुलासा करने वाला है, क्योंकि एंडरसन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उसके पास ज्यादा धैर्य नहीं है, इसलिए सही समय पर इसका खुलासा कर देंगे। बीते 2 अप्रैल को लॉन्च हुए इस ऐप पर महीने भर बाद ही 2 मई को ही राहुल गांधी ने गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने ट्वीट कर इस ऐप को यूजर्स की प्राइवेसी के खिलाफ बताया था, जिसका सरकार की तरफ से न केवल पुरजोर तरीके से विरोध हुआ बल्कि सियासत करने के आरोप में राहुल घिर भी गए। अब आवाज देश के बाहर से उठी है। आपको बता दें कि इलियट एडरसन वो ही हैकर है जो साल 2018 में भी एनडीए सरकार के लिए मुश्किल का सबब बने थे, जब उन्होंने आधार ऐप के खामियों को उजागर किया था और ऐप में सुरक्षा मुद्दे की चेतावनी वाले कई ट्वीट किए थे। यही नहीं, एडरसन दुनिया भर के कई डेटा लीक्स का खुलासा कर चुके हैं। ऐसे में सरकार की मुश्किल ये है कि वो ना तो खामियों की बात को स्वीकार कर पा रही है, ना हैकर के दावे के खिलाफ कोई पुख्ता दलील। इन सबके बीच देश की जनता इस मुश्किल में है कि आप रखे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो आरोग्य सेतु ऐप को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाया और एक हैकर ने भी जब इस पर बात कही कि राहुल गांधी सही कर रहे हैं और सही कह रहे हैं और मैं बहुत जल्दी इस पर और भी खुलासा करूंगा, तो खलबली और मच गई है। चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विक्रम सिंह, पूर्व DGP। बहुत स्वागत है विक्रम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। CB पांडे जी जुड़ चुके हैं, पूर्व न्यायाधीश। बहुत स्वागत है CB पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोग सेलर, साइबर एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले सहयोग का ही रुख करती हूँ। सहयोग, ये जो कहा जा रहा है कि ये आरोग्य सेतु ऐप जो है ये कहीं ना कहीं निजता का भी हनन है और इस ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से ये सही नहीं है, तो आप इसे कैसा मानते हैं? क्या वाकई ऐसा है जो आरोप लग रहे हैं? देखिए, अभी जो एडरसन जो है जिन्होंने ये खुलासा किया है कि COVID-19 जो है डेटा लीक कर सकता है, जिसमें 90 मिलियन लोगों का डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, उनका कहना है जी। अभी जो 19 मिलियन डेटा जो पब्लिकली अवेलेबल है, इसका मतलब ये है कि जो COVID-19 रिलेटेड जो भी टेस्ट अभी हो रहे हैं आरोग्य सेतु में, मतलब जो सेल्फ असेस, मतलब खुद को हम लोग टेस्ट करके बता सकते हैं कि हमें कोई सिम्टम्स है क्या कोविड के जी। इसके अलावा उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये लोकेशन शेयर किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग मतलब अपने रेडियस में 500 मीटर या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी आरोग्य सेतु ऐप जो यूज कर रहा है, उस ऐप के थ्रू किसी ने किसको बताया रहेगा कि उसे COVID-19 के कोई सिम्टम्स है, तो आपको उस रेडियस में ये बताया जाता है कि कोई यूजर है क्या जो COVID-19 ये सिम्टम्स है उसको, या COVID-19 पेशेंट कोई आपके रेडियस में है। अगर आप जो भी दायरा आप सिलेक्ट करते हैं, जो भी आप एरिया में है, उस रेडियस के हिसाब से जो आप दायरा सिलेक्ट करते हैं 500 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, ये इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिकली अवेलेबल है। जो हैकर बता रहा है कि आपका ये ऐप सेफ नहीं है, जो अभी आरोग्य से तो आप जो आप देख रहे हो वो जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी, मतलब रिएक्ट टेक्नोलॉजी यूज करके बिल्ड किया हुआ है, और इसमें जो डेटा अवेलेबल हो API के थ्रू, जिसके थ्रू आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के थ्रू कोई भी डेटा आप उससे एक्सेस कर सकते हो। बिल्कुल यही, लेकिन सहयोग ये बताइए, क्योंकि बात ये हो रही है कि आपका जो प्राइवेसी है वो यहाँ पर लीक हो रही है और सरकार ये डेटा को आगे भी यूज कर सकती है, क्या ऐसा हो सकता है? इसमें जबकि आप जब COVID-19 के लिए जो ऐप बनाया है आरोग्य सेतु ऐप आपसे सिर्फ इतनी ही परमिशन लेता है, विच इज लोकेशन परमिशन। इसके अलावा आरोग्य सेतु आपसे डेटा आपके फोन से सिर्फ आपका मोबाइल नंबर लेता है, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लेता है, जब तक आप कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते नहीं है जिसके रिलेटेड आप जो मतलब असेसमेंट एक्सेस जो टेस्ट ले रहे हैं खुद के लिए एक्सेस अगेन के लिए जो टेस्ट, मतलब जब भी आप उसके ऊपर चालू करते तो आपको क्वेश्चन पूछे जाते कि आपको कोई कफ के सिम्टम्स थे या खांसी के कोई सिम्टम्स थे, इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन वो पूछता है, तो ये क्वेश्चन के ही डेटा वो एक्सेप्ट करता है और ये डेटा
ऑनलाइन शेयर होता है। अगर आपने क्वेश्चंस गलत भरे हैं, अगर आपने सही जानकारी नहीं दी है, तो हो सकता है ये डेटा काम भी ना करे। खैर आऊंगे और सहयोग आपके पास। विक्रम सिंह जी, विक्रम जी क्या लगता है, एक तो ये तो है, इस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप को लेकर, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इसको कंपलसरी कर दिया गया है। कई ऐसी कॉलोनी हैं, चाहे वो RWA की बात करें या फिर कई ऐसे जगह पर है जहां पर कहा गया है इसे कंपलसरी है, आप इसे डाउनलोड ही करिए तभी आपको आपकी सोसाइटी में एंट्री मिलेगी। तो क्या ये जरूरी है, बिना आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करे बिना आपको एंट्री नहीं मिल रही है? कई ऐसे जो हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि हमने रिपोर्ट भी दिखाई, किसी को पता भी नहीं है और कुछ लोगों के पास एंड्रॉइड या फिर आईफोन है भी नहीं, तो फिर ऐसे लोगों के लिए क्या? महत्वपूर्ण सवाल दीपाली जी, नमस्कार। किसी भी ऐप के जबरदस्ती डाउनलोड करने की ये पहली मिसाल है, लेकिन COVID-19 ऐसी महामारी ये भी एक पहली मिसाल है। लेकिन पहले ये तो देख लें कि जनसंख्या में कितने लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं, भली भांति जो क्वेश्चनेयर है उसको भर सकते हैं, भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे, इसके अलावा उसका सही प्रयोग करेंगे, सही जानकारी देंगे, ये तमाम प्रश्न है। और मुझे तो नहीं लगता कि आधार कार्ड बनाने में वर्षों लग गए, और इसको ऐप को लेना, ऐप के फोन में डालना, कंपैटिबिलिटी इश्यूज देखना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी को देखना, उसका प्रयोग करना या दुरुपयोग करना, ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसका समाधान जल्दी नहीं होने वाला है। मौलिक बात यह है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो अनिवार्यता है उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई चीज ऐसी यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए जो कि हम भली भांति उसका इस्तेमाल कर लें। 90 मिलियन का मतलब 9 करोड़ लोगों ने ही उसको किया है, 130 करोड़ के देश में अगर 9 करोड़ ने कर भी लिया, या मान लीजिए 25 करोड़ ने कर लिया, 50 करोड़ ने कर लिया, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ये ऐसा ना हो, आप उसके तमाम विकल्प दें कि ये इनमें से किसी एक ऐप को, 10 ऐप हो, ऐप यूजर फ्रेंडली हो। इसके अलावा जो लोग फोन नहीं लगा सकते हैं, वेरेबल बॉडी सिस्टम्स होने चाहिए, जैसे कि आपकी फिटनेस वॉचेस वगैरह होती हैं जिसमें कि आपने एक बार बांध दिया, सरकार उपलब्ध कराए 100 रुपए में और उसके बाद उस पर कार्रवाई करे। लेकिन एक ही कंपनी का एक ही ऐप वो भी आप खरीदें, अन्यथा वो होगा ये औचित्यपूर्ण और नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के अनुरूप मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। जी सीबी पांडे जी, कानून क्या कहता है, क्योंकि पहले भी हमने बातचीत करी थी जब महामारी एक्ट की हम बातचीत कर रहे थे, उस दौरान भी ये बात आई थी, निजता का हनन भी कहीं ना कहीं हो रहा है, और ऐसे में अब क्या आप इसे किस तरह देख रहे हैं, जो जबरदस्ती कहा जा रहा है हर जगह हर कंपनी में कि आप इसको डाउनलोड करें उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तो पहले ये समझ लीजिए कि कानून की स्थिति इस मामले में क्या है, कि ये राइट टू प्राइवेसी इसमें इंटरफियर कर रही है। निश्चित सबको अपने अपना इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसको राइट है, चाहे तो दे या ना दे। तो जहाँ तक राइट टू प्राइवेसी का सवाल है, वो ये कहा जा रहा है कि हम इन्फॉर्मेशन फोर्स नहीं कर रहे देने को, आपसे हम वॉलंटरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप दीजिए, और चूंकि लोग वॉलंटरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम लोग दे रहे हैं, लोग रिक्वेस्ट की जा रही है और हम दे रहे हैं, तो ये कह रहा है कि आपने खुद ही इन्फॉर्मेशन दिया है तो इसमें राइट टू प्राइवेसी कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रही है, कुछ वायलेट नहीं हो रहा है। तो लेकिन जैसे ही आप ये कहेंगे हमने माली इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन अगर हम नहीं देना चाहते हैं तो आप कैसे ये कानून बना देंगे कि आप वहाँ एंट्री नहीं पाएंगे, कंपल्सरी तो कर नहीं सकते। अगर वॉलंटरली है वो हम दे या न दें, तब तो राइट टू प्राइवेसी एक हद तक वायलेट नहीं होता, लेकिन जैसे ही इसको आप कहेंगे कि ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है, तो राइट टू प्राइवेसी डिस्टर्ब होगा, और राइट टू प्राइवेसी जब डिस्टर्ब होगा इसका मतलब फंडामेंटल राइट डिस्टर्ब होगा, और फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब करने के लिए बिना पार्लियामेंट से कोई कानून बनाए हुए आप किसी फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट नहीं कर सकते, उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते। अभी आप समझ लीजिए कि ये जो इन्होंने जो डायरेक्शन इशू कर रहे हैं ऐप का, वो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कर रहे हैं, एपिडेमिक डिजीज एक्ट में कर रहे हैं, उसमें उस कानून में ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें स्पष्ट तो उल्लेख है नहीं कि ऐप बनाया जाएगा और ऐप बनाने के लिए आपको हर लोगों के लिए कंपलसरी होगा। उसके जो प्रोविजन है उसका इस्तेमाल करके आप पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा इनसफिशियंट है, और कोई अगर मना करता है कि हम नहीं देंगे इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, ये तो स्थिति बन गई। अब इसके लॉजिकल देखिए, अगर ऐसा आप कानून बनाए भी हैं तो इसकी कोई यूटिलिटी भी है कि कोई भी ऐसा फंडामेंटल राइट को जब आप इंटरफियर कर सकते हैं तो जो पर्पज है उस पर्पज को सॉल्व भी होना चाहिए, वो एक रेशनल भी होना चाहिए कि पूरा हो सके। अब आप एक अरब देश में जहाँ 1 अरब 30 करोड़ लोग हैं, जब तक सारे लोगों के पास ऐप नहीं होगा
तब तक इसका कोई मतलब तो हो नहीं सकता कि हम हमारे एरिया हमारे पास में खड़ा हुआ आदमी अगर उसके पास ऐप नहीं है तो उसका क्या यूटिलिटी है, हम लेके घूमते रहे अपना ऐप और बगल में ही हमारे पॉजिटिव के लोग खड़े हैं उनको उन्होंने अगर डाउनलोड नहीं कर रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो यूजलेस एक्सरसाइज है, अननेसेसरी हमारा आप डाटा लेके पता नहीं किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और बगल में खड़े हुए आदमी को भी आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं कि तो आप सारे लोगों को इसको सबके पास अवेलेबल हो तब तो कहीं कुछ हद तक इसकी यूटिलिटी है। जब सबके पास अवेलेबल नहीं है, इस देश में 50 करोड़ ही तो लोगों के पास ऐप वो है स्मार्टफोन, तो इसमें अभी 80 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, उस 50 करोड़ में भी कितने लोग ऐप को डाउनलोड करेंगे, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग उसके सारे चीजों को सिस्टम को समझते हैं। आपकी बात अननेसेसरी फंडामेंटल जो राइट्स कहते हैं वो भी इसे नहीं मानते कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, फोर्सफुली नहीं कह सकते कि आप ये ऐप को डाउनलोड ही करें। तो लगातार आरोग्य सेतु ऐप के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसको जो इस्तेमाल कर रहा है या फिर जो कहा जा रहा है कि कंपलसरी आप इसे डाउनलोड करें ही तभी किसी कंपनी में या फिर कहीं सोसाइटी में आपको एंट्री मिल रही है, ये जो कंपल्शन है इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। सहयोग का रुख करते हैं। सहयोग, एक बात तो ये भी बात कही जो कही जा रही है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्राइवेसी है वो यहाँ पर लीक हो रही है, तो वो तो वैसे भी होती है, इसे भी जरा समझाइए कि अगर आपने डेटा ऑन किया है तो अपने आप ही आपका डेटाबेस तैयार हो ही रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो ये वैसे भी एक तरफ से सेव हो रहा है, तो ये प्राइवेसी कैसे आपकी लीक हो रही है, इस ये जो आरोप लग रहे हैं। सहयोग, तो लगता है बातचीत नहीं हो पा रही है, बातचीत करेंगे सहयोग से। विक्रम जी, एक और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या लग रहा है कि सरकार बहुत जल्दी बहुत सारे फैसले ले रही है लेकिन उस पर सोच विचार नहीं किया जा रहा है या बातचीत नहीं की जा रही है? राय जरूर ली जा रही होगी लेकिन जो सीनियर है या फिर एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे बिना सोचे समझे लगातार नए नए फैसले ले लिए जा रहे हैं जिसकी परेशानी आम जनता को भी हो रही है और मुझे लगता है जो पुलिस वाले हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं उनको भी हो रही होगी। बिल्कुल सही कहा, कोई भी चीज अगर हो तो सुविचारित हो, उसका रिहर्सल पूरा अभ्यास हो और उसमें जो त्रुटियां हैं, कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ है और उसमें क्या समाधान हो सकता है कि दूरगामी। ये तो सही कहते हैं कि सॉफ्टवेयर जब आप चालू करें तो पहले चालू करें, बाद में उसकी क्रियाशीलता का परीक्षण करें और कालांतर में उसका समाधान करें। आपने एक अच्छी शुरुआत अच्छी नीयत से की लेकिन उसकी जो कमियां थी वो इतनी ज्यादा है, जैसा कि आदरणीय श्री सीवी पांडे साहब ने बताया कि अगर हमारे मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट उसमें को प्रभावित हो रहे हैं, हमारी जो है निजता का हनन हो रहा है, हमारी वो अवांछनीय आपने जो सूचना मांग करके जो कृत्य किया है आपने हमारी निजता का हनन करने के साथ साथ, अब मैंने अगर जैसे एक ऐप डाउन किया, मैं आपको रियल लाइफ बता रहा हूँ, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट, अब वो पूछता हम आपकी फोटोज एक्सेस कर लें, हमने कहा चलिए कर लीजिए, तो हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट कर लें, कॉन्टैक्ट लिस्ट से आपसे क्या मतलब, हमने पीडीएफ डॉक्यूमेंट का, तो आप चाहते कि should we take control of your making and receiving calls, your messages, your contact list, तो आप तो एक तरीके से हमारा MRI और CT scan कर रहे हैं जबकि आपसे limited बात पूछी गई थी। इसी तरह कोई भी app जब आप इस्तेमाल करती हैं आपको केवल हमारी मौजूदगी और COVID-19 के symptoms की जानकारी जानने का अधिकार है। मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरी contact list क्या है, मेरी photo क्या है, ये जानने का आपको अधिकार नहीं है। इसलिए अनर्गल प्रश्न न करके आपको वही प्रश्न करने चाहिए थे। लेकिन अगर संयोग होते तो बता सकते थे कि इसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन जो मौलिक प्रश्न सीबी पांडे साहब ने बताया है, स्मार्टफोन उसका यूज क्या हमारे बुजुर्गवार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बच्चे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ जो बीपीएल वाले हैं नहीं कर सकते हैं, तो समाधान वो हो जो सबके लिए हो। अभी 9 मिलियन की हम बात करें, 90 मिलियन बात करें तो केवल आपने 10% भी तो नहीं किया, आपने केवल लगभग आप 7-8% पे है अभी, और इसमें आप ये करें कि जो नहीं लगाएगा उसकी एंट्री बैन हो जाएगी, तो ये थोड़ा प्रीमैच्योर है। बात तो ये भी आ जाती है कि भारत में अगर बात करें यहाँ पर नेटवर्क के इतने इश्यूज हैं
चाहे हम एनसीआर की बात कर लें, वहां पर अगर आप, हो सकता है कि आपने डाउनलोड भी कर लिया हो तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नेटवर्क ही नहीं आ रहा होगा इतने अच्छे से। और कई बार जो ब्लूटूथ की बात कर रही है, हो सकता है उसके जरिए भी अगर वो नहीं खुल पा रहा है तो क्या बताएंगे। खैर, सहयोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहयोग, हम यही बात कर रहे थे कि क्या ये जो प्राइवेसी की बात बार बार की जा रही है, तो अगर डेटा ऑन है तो वो तो वैसे भी आपका कहीं ना कहीं डेटा लीक हो ही रहा है, और ऐसे में जो इतने सारे बातें सामने आ रही है कि अगर आपने सही जानकारी नहीं दी, और कई बार ऐसी भी खबरें आ रही है कि कोरोना पॉजिटिव कोई हो भी ना लेकिन फिर भी उसमें दिखा रहा है आपके आसपास के एरिया में। देखिए, अभी जो डेटा प्राइवेसी की बात करें कि आपका डेटा लीक हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया कि ये एंड्रॉयड वर्जन पे चल रहा है। एंड्रॉयड आपको पूछता है जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो उसमें आपका ये ऐप किस किस की परमिशन ले रहा है। जैसे कि अभी हम लोग आरोग्य सेतु के बारे में बात कर रहे हैं, तो आरोग्य सेतु सिर्फ लोकेशन की परमिशन लेता है। इसके अलावा आपके मोबाइल में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि कोई कोई ऐप जो होते हैं आपके अदर एप्लीकेशन को एक्सेस करके वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं, तो आरोग्य सेतु को ये परमिशन हम अलाउ नहीं कर रहे, या आरोग्य सेतु में ये परमिशन ही नहीं है। सिर्फ अगर आप उस ऐप के सेटिंग में जाके देखेंगे परमिशन, तो परमिशन में आपको सिर्फ लोकेशन की परमिशन मिलती है, जो लोकेशन आपका इसीलिए लिया जाता है ताकि आप उस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आपके दायरे में कितने सारे पॉजिटिव है। अभी हम लोग ये जो गवर्नमेंट ने जो यूज किया है टेक्नोलॉजी का, इसके थ्रू, मतलब ये टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग एटलीस्ट 7.8% जो परसेंट लोग जो बोल रहे हैं, अभी जो बात चल रही थी कि 8% लोगों ने इंस्टॉल किया है, ये 8% भी हमारे लिए काफी अच्छा नंबर है। अगर आप देखेंगे 9.16 करोड़ पीपल इंडियंस आर यूजिंग दिस ऐप बेसिकली करेंटली, तो ये टेक्नोलॉजी के लिए, हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू जो डिजिटलाइजेशन इंडिया मूव हो रहा है तो वो अच्छी बात है। और इसमें प्राइवेसी की जो बात चल रही है तो इसमें कोई डेटा हैक नहीं हो रहा है या कोई डेटा लिया नहीं जा रहा है, इसमें सिर्फ आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। जो हैकर्स कह रहे हैं उसको कैसे आप डिफेंड करेंगे, इसलिए क्योंकि ये भी कहा जा रहा आधार कार्ड को लेकर भी पहले ऐसा ही कुछ हुआ था और उसके बाद बात सामने आई थी। हाँ, इलियट एंडरसन ने जो बताया है ये उसमें बेसिकली आरोग्य सेतु में एक लीक पॉइंट था जो अभी उन्होंने फिक्स कर दिया है। अगर आप देखोगे, आप आरोग्य सेतु के जो स्टेटस रहता है, स्टेटस में आपको होम स्क्रीन पे ही बताता है कि जो 500 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे उन्होंने रेंजेस दिए हुए, बट ये पहले रेंजेस ओपन थे, जिसका मतलब ये था कि वो फ्लड हो सकता था, जैसे कि कोई भी एरिया में एरिया की इंफॉर्मेशन निकाल सकता था। जैसे कि मान लो अभी मैं करंटली मुंबई में सिचुएशन हूँ, तो मुझे अगर मान लो दिल्ली का लोकेशन से निकालना है कोविड 19 पॉजिटिव कितने हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिल्ली के लिए, तो मैं वो इजीली निकाल सकता था बिकॉज वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, जिसके कारण जो फ्लडिंग बोलते हैं उसके थ्रू ये पूरा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन क्रैश हो सकता था, हैकर कोई भी उसे क्रैश कर सकता था। इसके हिसाब से बिल्कुल सही होगा। आपके पास एक जल्दी से आखिरी कमेंट में सीपी पांडे जी से ले लूं। सीपी पांडे जी, एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार अपनी सफाई दे रही है, हैकर्स और आ गए, इससे जो जनता है उनका मनोबल जरूर टूटेगा कि एक तो डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है ऐप, उससे भी हम सुरक्षित नहीं है, ऐसे में क्या करना चाहिए? नहीं, एक सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए ये कुछ भी हमारा डाटा मिसयूज करे, मान लीजिए, तो लॉ तो कोई बनाया नहीं है आपने, गवर्नमेंट का कोई आदेश जारी कर दिया है और डाउनलोड कर दिया है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ तो बनाया नहीं है। जैसे आधार कार्ड में तो एक लॉ बनाना, तो आधार कार्ड जब कंपलसरी किया गया तो एक कानून पार्लियामेंट में कानून बनाया और उस कानून के तहत एक प्रोसीजर दिया गया, उस हिसाब से हम अपना इन्फॉर्मेशन देते हैं। आपने इस ऐप के लिए तो कोई कानून बनाया नहीं और आप फोर्स कर रहे हैं कि डाउनलोड करिए। अब अगर हमें कोई वायलेशन होता है और तो हम किसके पास जाएंगे, कौन सी प्रक्रिया, कोई ले डाउन तो है नहीं जिसके खिलाफ हम शिकायत कर सके, अपने ग्रीवांसेस को कहाँ हाईलाइट करेंगे? तो ये सारी बातें जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज, जहाँ आप हमारे डाटा, आप अभी तो आपने कह रहे हैं कि मैं सिर्फ कोविड 19 के लिए बना रहे, पता नहीं कैसे आप पर कौन सी टेक्नोलॉजी है, जब हमारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया है तो कैसे यूज करेंगे, ये तो उसके लिए लॉ बनाइए। अगर लॉ नहीं बनाया तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है, और जब कुछ भी नहीं है तो जैसे जैसे चाहे वैसे मेरे डाटा को यूज कर दिए। तो ये सारी बातों को, ये ऐसा नहीं है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स थे, इस तरह से आप जैसे चाहे वैसे जी एक कंपनी ने कह दिया कि ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, पता नहीं किस कंट्री से आपने इसको नकल किया और कहाँ से उसके वहाँ सक्सेसफुल है कि नहीं है, और कुछ लोगों ने आपको एडवाइस कर दिया कि हिंदुस्तान जैसे कंट्री में भी इसको लागू कर देना चाहिए। हर देश का अपनी अपनी
अलग अलग तरीके होते हैं, हर देश के अपने अपने इन्वायरमेंट होते हैं। चीन ने किया था, साउथ कोरिया ने किया था, उनके अपने उस तरह चीजों को समझते नहीं है। फिर बहुत रोकूंगी सीपी पांडे जी बात को, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।